सो फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी डिजिटली अवेलेबल हो चुकी है और जितनी डिटेल ईस्टर एग कॉल बैक्स और रेफरेंसेस यहाँ मिले हैं शायद ही हमें किसी मार्वल मूवी में अभी तक मिले होंगे। यहाँ लिटरली डेडपूल कैमरे में देखकर हमें रेफरेंसेस दे रहा था और इसलिए आज हम इस मूवी का सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करेंगे और हर छोटी मोटी डिटेल को डिस्कस करेंगे। एक मोमेंट पर जब डेडपूल एमसीयू में हैप्पी होगन से मिलता है तो यहाँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग आयरन मैन रेफरेंसेस दिए गए। तो चलिए उन सब की डिटेल में बात करते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को काफी टाइम बाद देख रहे हैं तो इसके आगे के पार्ट अभी तक आ चुके होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो उसको अपडेट कर दिया गया है। आई मीन इसमें डेडपूल मूवीज की भी फुटेज दिखाई गई। ये पहली बार था जब किसी नॉन एमसीयू सुपर हीरो को मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो में जगह मिली हो। वैसे सिमिलर स्पाइडरमैन के साथ भी किया जाता है। जब स्पाइडरमैन मूवी में मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो आता है तो उसमें स्पाइडरमैन की फुटेज भी डाली जाती है, पर बाकी मूवीज में जब इंट्रो प्ले होता है तो उसमें से स्पाइडरमैन को हटा दिया जाता है। खैर, इंट्रो के बाद हमें डेडपूल का नरेशन सुनाई देता है जहाँ वो कहता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज़न्ट श्योर आई'ड एवर बी बैक। Disney bought Fox, there was a whole boring rights issue, blah 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 blah. But then it turned out they wanted me. अब 2019 में डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया था, जिसके बाद सारी फॉक्स मार्वल मूवीज को कैंसिल कर दिया गया था। इसलिए यहाँ डेडपूल कह रहा है कि इस मूवी के चांसेस काफी कम थे बनने के, पर रायन रेनॉल्ड्स ने केविन फेगी को मना लिया और डेडपूल 3 फाइनली आ गई, वो भी आर रेटेड। अब आगे डेडपूल यहाँ आता है वुल्वरीन की कब्र पर। ऑब्वियसली मूवी में आगे ये रिवील किया गया कि वुल्वरीन एंकरबिंग है, इसलिए डेडपूल को उसकी नीड है। यहाँ हमें वुल्वरीन का एडमेंटियम स्कल दिखा और जो लकड़ी का टुकड़ा वुल्वरीन की बॉडी में घुसा था, जिसकी वजह से वुल्वरीन की डेथ भी हुई थी, वो अभी भी उसके स्कल में फंसा हुआ है। खैर, आगे टीवी के एजेंट्स की एंट्री होती है। इनकी कॉस्ट्यूम्स को और अपग्रेड कर दिया गया है। साथ ही अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये टीवी हंटर्स का लीडर है, इसलिए इसकी कॉस्ट्यूम इनसे थोड़ी अलग है। लोकी सीरीज में भी ऐसा ही होता है, जब भी कोई टीवी मिशन पर जाता है तो उस ग्रुप का एक लीडर होता है जिसकी कॉस्ट्यूम थोड़ी अलग होती है, ताकि उसकी सीनियर पोस्ट को दिखाया जा सके। अब इसके आगे डेडपूल और टीवी एजेंट्स की फाइट होती है, पर उससे पहले डेडपूल कहता है, There are 206 bones in the human body, 207 if I'm watching Gossip Girl. अब गॉसिप गर्ल 2007 में प्रीमियर होने वाला एक ड्रामा शो है और इसमें रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ है ब्लैक लेवली लीड एक्ट्रेस है। अब इसके बाद हर डेडपूल मूवी की तरह यहाँ पर हमें आर रेटेड इंट्रो देखने को मिला, जहाँ इनसे एक बैंड का बाय बाय प्ले किया गया। ये सॉन्ग 2000 में रिलीज हुआ था। साथ ही ये डांसिंग स्टेप रायन रेनॉल्ड्स ने नहीं बल्कि उनके स्टंट डबल ने किए हैं। साथ ही यहाँ डेडपूल वुल्वरीन के क्लोज भी यूज करता है। अब कॉमिक्स में भी डेडपूल के पास क्लोज आते हैं, जहाँ ऑब्वियसली डेडपूल के पास हीलिंग फैक्टर है तो वो खुद के हाथ में ब्लेड्स को इंसर्ट कर लेता है और उनको वुल्वरीन की तरह यूज करता है। साथ ही एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन मूवी में भी वेपन एक्स प्रोग्राम के दौरान डेडपूल को ऐसे ही ब्लेड दिए गए थे जो वो मूवी के क्लाइमैक्स में यूज करता है। और हाँ, टीवी वर्सेस डेडपूल की फाइट शुरू होने से पहले डेडपूल कहता है मैक्सिमम एफर्ट। ये डेडपूल फाइट शुरू होने से पहले अक्सर कहता रहता है। अब मैक्सिमम एफर्ट पहली बार फर्स्ट डेडपूल मूवी में कहा गया था, जहाँ इसके बाद सेम नाम से रायन रेनॉल्ड्स ने 2018 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली और इन तीनों डेडपूल मूवीज को मैक्सिमम एफर्ट प्रोडक्शन कंपनी ने ही बनाया है। सो इसके बाद हमें डेडपूल बैक स्टोरी बताता है, जहाँ डेडपूल टाइम ट्रेवल का यूज करके जाता है एमसीयू में 14 मार्च 2018 को। अब इसी साल थैनोस भी अर्थ पे आता है और स्नैप करता है, पर वो अप्रैल मंथ में होता है, यानी डेडपूल स्नैप से कुछ दिन पहले ही आया है। खैर, यहाँ लिखा आता है 616, मार्वल का मेन यूनिवर्स यानी एमसीयू उसको 616 कहा जाता है। 838 की क्रिस्टीन पामर ने ये नाम दिए हैं और अभी भी एमसीयू को सेक्रेट टाइमलाइन कहा जा रहा है, जबकि लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। खैर, यहाँ वेड विल्सन हैप्पी होगन से बातचीत करता है कि उसे अवेंजर्स टीम में ले लिया जाए। बैकग्राउंड में हम यहाँ कैप्टन अमेरिका की शील्ड का प्रोटोटाइप देख सकते हैं, जो हमें आयरन मैन 2 मूवी में टोनी के घर में दिखा था। साथ ही हैप्पी होगन के पीछे हम मार्क 1 का हेलमेट देख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ वही कार्ड्स हैं जिन पे फिल गोल्सन साइन चाहता था कैप्टन अमेरिका के, और निक फ्यूरी इनको यूज करता है एज ए मोटिवेशन अवेंजर्स के लिए 2012 में। तो वही लेफ्ट साइड में एक मैगजीन रखी हुई है जिसके फ्रंट में पेपर पोर्ट्स है। ये फोर्ब्स की मैगजीन है, ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जो कि एक अमेरिकन मीडिया कंपनी है। इसके अलावा साइड में हम एक शोकेस जैसी जगह देख सकते हैं, जहाँ पर मोबियस स्ट्रिप रखी हुई है। यहीं से आगे जाकर टोनी स्टार्क को टाइम मशीन में लोकेशन जीपीएस बनाने का आइडिया आता है। इसी शोकेस में हम आयरन मैन सूट का मास्क भी देख सकते हैं। साथ ही यहाँ मार्क 5 है, जो कि एक ब्रीफकेस वाला सूट है, वो भी यहाँ रखा हुआ है। साथ ही आगे हमें टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर की फोटो भी दिखाई देती है। यहाँ पीटर पार्कर के फेस को हाइड कर दिया गया आयरन मैन के हेलमेट के साथ। ऑब्वियसली स्पाइडरमैन के राइट सोनी के पास है, तो उसको यहाँ पे नहीं दिखाया जा सकता। अब आयरन मैन से रिलेटेड इतनी सारी चीजों को देखकर लगता है कि ये ऑफिस टोनी स्टार्क का
चुका है, लेकिन इसे फिलहाल के लिए हैप्पी होगन ऑपरेट कर रहा है। खैर डेडपूल को अवेंजर्स में शामिल नहीं किया जाता और वो वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है। अब इसके आगे का ब्रेकडाउन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप इस वीडियो को काफी टाइम बाद देख रहे हैं तो अभी तक इसके आगे के पार्ट्स आ चुके होंगे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर कुछ ही सेकंड में आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। स्टे ट्यून्ड।